एवरीवन, वेलकम टू दर्शन नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना पीडियाट्रिक नर्सिंग का टॉपिक लेने जा रहे हैं, ठीक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग का हम बहुत छोटा टॉपिक लेंगे मगर इम्पॉर्टेंट लेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो एक साइड हम अपना एंटीरियर फॉन्टेनल लिख लेते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल, और दूसरी साइड हम अपना पोस्टीरियर फॉन्टेनल लिख लेते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। फॉन्टेनल टर्म ये कहाँ पे आती है, ठीक है, जब आप न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हो, ठीक है, उस टाइम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है, बेबी का, तब आप क्या इनको असेस करते हो, एंटीरियर फॉन्टेनल को, ठीक है। तो पहले फॉन्टेनल्स होते क्या हैं वो हम देख लेते हैं। फॉन्टेनल्स हमारे क्या है, गैप बिटवीन दी सूचर्स, ठीक है। गैप क्या बोला मैंने, गैप बिटवीन दी सूचर्स, उनको तो हम क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल। अब सूचर्स क्या होते हैं, ठीक है, सूचर्स हमारे क्या हैं, जॉइंट बिटवीन दी क्रेनियल बोन्स, ठीक है, जो हमारी क्रेनियल बोन्स हैं हेड में, ठीक है, उनके बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम सूचर्स कहते हैं, ठीक है। दो बोन है, मीन्स क्रेनियल बोन्स जहाँ पे भी जॉइंट होंगी, ठीक है, उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सूचर्स, ठीक है। और उन जो अगर उन सूचर्स के बीच में जो गैप रह जाता है, वो गैप है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉन्टेनल, ठीक है। तो फॉन्टेनल हमारे दो तरह के हैं, एक क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनल, और एक होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। एंटीरियर नाम से पता चल रहा है, जो बिल्कुल एंटीरियर साइड पे होगा हेड के, ठीक है, सामने होगा, और पोस्टीरियर पीछे होगा हेड के, ठीक है। तो दो तरह की फॉन्टेनल्स हमारे जो है, आप जब न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हो, ठीक है, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उस टाइम ये जो फॉन्टेनल्स हैं असेस करते हैं। तो जो सूचर्स हैं वो चार तरह के होते हैं, ठीक है, सूचर्स को भी हम देख लेते हैं। सूचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, फर्स्ट है आपका फ्रंटल, फ्रंटल सूचर, सेकंड है कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, और लास्ट है लैम्बोइडल, लैम्बोइडल सूचर, ठीक है। तो ये चार तरह के सूचर्स, अब जब आप असेसमेंट करते हो बेबी का, ठीक है, वहाँ पे चार तरह के सूचर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब फ्रंटल सूचर कब बनता है, मैंने बोला ना कि ये जॉइंट होते हैं, क्रेनियल बोन्स जब जॉइंट होते हैं तभी सूचर्स बनते हैं, ठीक है। तो फ्रंटल सूचर कहाँ है, बिटवीन दी टू फ्रंटल बोन्स, बिटवीन दी टू फ्रंटल बोन्स, ठीक है। फ्रंटल बोन्स हमारी कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में, ठीक है, तो इनके बीच में जो सूचर्स होता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, फ्रंटल, यानी ये वाला, ठीक है। तो इस तरफ का और इस तरफ का, ये दो फ्रंटल बोन्स होगी, इसके बीच में जो सूचर होगा, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, फ्रंटल सूचर, ठीक है, मीन्स आगे का, फ्रंट मीन्स आगे का जो सूचर होता है उसको हम फ्रंटल सूचर्स कहते हैं, जो दो फ्रंटल बोन्स के बीच में होता है, ठीक है। अब कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर कहाँ होता है, इधर साइड में, ठीक है, जो फ्रंट में हो गया वो तो हमारा हो गया फ्रंटल, फ्रंटल सूचर, ठीक है। और जो ये साइड में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर कब कहाँ होता है, बिटवीन दी, ये हमारे फ्रंटल बोन लगा लो, फ्रंटल बोन है, ठीक है, दो फ्रंटल बोन के बीच में, तो फ्रंटल सूचर हो गया। और कोरोनल सूचर किस किस के बीच में हो गया, फ्रंटल बोन के बीच में और पैराइटल बोन के बीच में, पैराइटल, यहाँ पे हमारी पैराइटल बोन है,
ठीक है, तो इसके बीच में हमारा कोरोनल सूचर हो गया। ठीक है, तो कोरोनल सूचर कहाँ पे, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो होता है सूचर, उसको हम कोरोनल सूचर कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब होता है सिजाइटल सूचर। सिजाइटल सूचर आपका ये पीछे वाला होता है। ठीक है, पीछे की साइड जो सूचर बनता है तो वो किसके बीच में हो गया, बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स। ठीक है, तो पता चल रहा है जो कोरोनल सूचर होते हैं वो कितने होते हैं, दो, टू इन नंबर। ठीक है, ये हमारे टू इन नंबर होता है, और ये फ्रंटल वन ही होता है। ठीक है, इसी तरह से जो पैराइटल होता है वो भी वन होता है, सॉरी सेजाइटल जो सूचर होता है ये भी वन होता है, सेजाइटल सूचर बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स। ठीक है, अब बच गया आपका लैम्बोइडल सूचर। लैम्बोइडल सूचर होता है वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होती है। ठीक है, तो बिटवीन दी पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर होता है वो हमारा कौन सा है, लैम्बोइडल सूचर। तो ये भी दो होते हैं। ठीक है, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को। ठीक है, तो दो हमारे क्या होते हैं, लैम्बोइडल सूचर, जो किस किस के बीच में होते हैं, बिटवीन द पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये तो हमारी सूचर्स के बाद, अभी जो सूचर्स हैं ये ऐसे नहीं मिलते जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर में दिखा दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलते, ये इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, और ये इधर नीचे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा जो ये सूचर जो बन गया। ठीक है, तो सूचर्स हमारे क्या है, जॉइंट बिटवीन द क्रेनियल बोन। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया। अब जो फॉन्टेनल की बात हो रही है, फॉन्टेनल्स गैप बिटवीन द सूचर्स, तो इन सूचर्स के बीच में जो गैप ये बन रहा है, ये आपका क्या हो गया, एंटीरियर फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल, और ये जो पीछे का जो गैप बना है, ये पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये वाला जो गैप बनाया है इसको आप बोलते हो पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैंने छोटा बना दिया फिगर, इसको मुझे ऊपर बनाना चाहिए था, बट क्लियर होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगी। ठीक है, आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है, ये जो आगे का जो होता है फॉन्टेनल बनता है, गैप होता है बिटवीन द सूचर्स, उसको आप एंटीरियर बोलते हो, और जो पीछे का जो है, जो गैप बनता है सूचर्स के बीच में, उसको आप पोस्टीरियर फॉन्टेनल बोलते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्या होता है, सूचर्स क्या होते हैं, और फॉन्टेनल्स की डेफिनेशन है वो आपको एग्जैक्ट पता चल गई होगी। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा ठीक है, इस फिगर को मैं रहने देती हूँ। सबसे पहले जो एंटीरियर फॉन्टेनल है, जो हमारे इस तरफ बन रहा है, ये कैसा बन गया हमारा, डायमंड शेप का। ठीक है, और ये हमारा कैसे बन गया, ट्रेंगुलर शेप का। तो ये एंटीरियर फॉन्टेनल है, ये हमारा कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर है वो हमारा ट्रेंगुलर शेप का होता है, डायमंड शेप, और ये हमारा पोस्टीरियर ट्रेंगुलर शेप। ठीक है, और सेकेंड इसका डिफरेंस क्या हो सकता है, इसको हम ब्रेगमा भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेगमा। ठीक है, और इसको हम लैम्बडा भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लैम्बडा। ठीक है, ये फिगर मैं आपको दोबारा बना देती हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ तो, क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड हो गया इधर। ठीक है, इधर साइड में बना देती हूँ।
ठीक है, ये मैंने बोला था आपको फ्रंटल सूचर है, इधर कोरोनल सूचर है, सेजाइटल, ठीक है, और ये आपका लैम्बोइडल। ठीक है, ये आपका एंटीरियर फोंटेनल है और ये पोस्टीरियर फोंटेनल है। ठीक है, तो एंटीरियर फोंटेनल कैसा है, डायमंड शेप का है, पोस्टीरियर आपका ट्रेंगुलर शेप का है। इसको आप ब्रैगमा कह सकते हो, इसको आप लैम्बडा कह सकते हो। ठीक है, ये तो दो पॉइंट हो गए। थर्ड, आप डिफरेंस में क्या बता सकते हो, तो ये कितने सूचर से बना होता है, किससे बना है, वन फ्रंटल सूचर फॉर्म्ड बाय फ्रंटल सूचर वन, ठीक है, टू कोरोनल सूचर, ठीक है, और वन सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर। ठीक है, तो आपको फिगर अगर आपको क्लियर होगी तो आप डिफरेंस अपने आप लिख लोगे। ठीक है, तो ये तीन तरह के सूचर से बना होता है। ठीक है, इसी तरफ जो पोस्टीरियर जो फोंटेनल है वो किससे बना है, वन सेजाइटल सूचर फॉर्म्ड बाय सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर वन और लैम्बोइडल सूचर टू। ठीक है, ये हमने फॉर्मेशन देख ली। अब नेक्स्ट क्या है, इसका जो ये फ्रंटल जो सूचर होता है वो कब क्लोज होता है, क्लोज्ड एट वन एंड हाफ ईयर और मंथ्स में बात करें तो 12 to 18 months। ठीक है, और ये हमारा क्लोज होता है वन एंड हाफ मंथ, ठीक है, जिसको आप 6 weeks भी कह सकते। ठीक है, तो दोनों में बता दिया, मंथ्स में भी और वीक्स में भी। इधर ठीक है, याद कैसे करना है, वन एंड हाफ इधर है, वन एंड हाफ इधर है, ठीक है, बट यहाँ पे ईयर की बात हो रही है और इधर मंथ्स में। क्लियर मीन्स पहले कौन सा क्लोज हो जाता है, पोस्टीरियर, पीछे वाला, ठीक है, और एंटीरियर कब होता है, बाद में होता है 1.5 साल पे, ठीक है, 12 to 18 months पे भी और ये 6 weeks पे भी। ठीक है, इसलिए देखा होगा जैसे कोई भी बेबी होता है, ठीक है, 1 साल का बच्चा है, तो यहाँ पे आप प्रेस करते हो तो थोड़ा दबता है, ठीक है, प्रेस हो जाता है, वो क्या होता है, फोंटेनल ही है। ठीक है, तो वो क्लोज नहीं हुआ होता, वो 1.5 years पे ही क्लोज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है इसके जो डायमीटर से बात कर लेते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, स्पेस कम है तो मैं AP लिख रही हूँ, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, वो कितना होता है, 3 to 4 centimeters। और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, ट्रांसवर्स डायमीटर है वो होता है 2 to 3 centimeters। ठीक है, मीन्स ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है, ये वाला डायमीटर ये कितना है, 3 to 4 centimeters, और जो ये वाला डायमीटर है वो 2 to 3 centimeters है। ठीक है, तो फिगर में आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, अगर इसको इस तरह से बनाना है कि ठीक है ये आपका कम है, ठीक है, और ये आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो AP जो डायमीटर है वो 3 to 4, ये वाला जो डायमीटर ज़्यादा होता है और ये कम होता है 2 to 3 centimeters। और इस केस में पोस्टीरियर फोंटेनल्स में जो AP डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, 1.2 centimeters,
और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो भी सेम होता है, डायमीटर भी आपका सेम होता है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला डायमीटर, ये दोनों इसके सेम होते हैं 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाउंटेनल्स में इतना ही है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कौन सी शेप का भी आया हुआ है क्वेश्चन, अदर नेम भी पूछ लेगा। ठीक है, कब फ्यूज़ होता है या फिर कब क्लोज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, छोटा टॉपिक है मगर इम्पोर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ इसको ही रटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।